गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ किरण। आज आपकी जो कविता है उसका नाम है काला कोवा, और जो इसके कवि हैं वो है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। ये इनके कवि है और ये क्लास फर्स्ट से ये कविता आपकी ली गई है, काला कोवा। इसमें कुछ पंक्तियाँ दी गई है, हम वो रीड करेंगे और फिर इनका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो ये काला कोवा जो आपकी कविता है, इसमें रंग भेद के बारे में बताया गया है कि कैसे एक कौवा कालेपन से परेशान होकर क्या क्या करता है। ठीक है, आइए। काला कोवा, प्रस्तावना। प्रस्तुत कविता हंस व कोए के माध्यम से कवि ने रंग भेद का वर्णन किया है। ये जो कविता है इसमें हंस और कोवा है, तो दोनों के माध्यम से रंग भेद के बारे में बताया गया है। उजला उजला हंस एक दिन उड़ते उड़ते आया। जो उजला उजला है इसमें सफ़ेद, उजले उजले का होता है सफ़ेद। उजला उजला हंस एक दिन उड़ते उड़ते आया। एक दिन की बात है, एक सफ़ेद हंस सुंदर सा उड़ते उड़ते आ रहा था। एक दिन हंस देखकर काला कौवा मन ही मन शर्माया। जो काला कौवा था वो उस सफ़ेद हंस को देखकर मन ही मन में पछताने लगा। मतलब वो काला था ना, इसलिए वो अपने आप पर उसे शर्म आ रही थी, वो शर्मा रहा था। लगा सोचने, उजला उजला मैं कैसे हो पाऊँ। जो काला कौवा है वो सोचने लगा कि मैं कैसे सफ़ेद हो पाऊँगा। वो उसके लिए सोच रहा था कि कैसे मैं इस हंस की तरह दिखूँ। उजला हो सकता हूँ साबुन में, साबुन से मैं अगर नहाऊं, यही सोचता मेरे घर आया। वो कहता है कि मैं सफ़ेद तो हो सकता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे तो साबुन से नहाना होगा। जो नहाने वाला साबुन होता है ना, वो कहता है मुझे तो उससे नहाना होगा। यही सोचता मेरे घर आया काला काग। जो हंस है उसके घर पर काला कौवा गया कि मैं तो सफ़ेद, जो उनका साबुन है उससे नहा लूँगा तो मैं सफ़ेद हो जाऊँगा। और गुसलखाने से मेरा साबुन लेकर भागा। हंस के जो गुसलखाना होता है उससे एक साबुन जो उसका था नहाने वाला, वो लेकर भाग गया, उड़ गया। फिर जाकर गड्ढी पर उसने साबुन खूब लगाया। जो गड्ढी होती है वो छोटा जो गड्ढा होता है जिससे पानी भर जाता है, वो तो वो कहते हैं कि उसमें कौवा जाकर बैठा और वहाँ पर जाके नहाने लगा, साबुन लगाने लगा अपने शरीर पर। खूब नहाया मगर ना अपना कालेपन धो पाया। अब जो कौवा है वो काफ़ी देर तक नहा रहा था, साबुन लगा रहा था, लेकिन वो फिर भी काला था, तो उसका जो कालापन था वो नहीं धुल पाया था, वो साफ़ नहीं हो पाया था, सफ़ेद नहीं हो पाया था। मिटाना उसका कालापन तो मन ही मन पछताया। अब कौवा उसके घर से साबुन चुरा के लेके आया, आके वो गड्ढे में नहाया। ये सब कुछ करने के बाद भी वो सफ़ेद नहीं हुआ, काला ही रह, से वो पछता रहा है, उसे शर्म आ रही है। पास हंस के कभी न फिर वह काला कौवा आया। उसके बाद उसने जब उसके घर से साबुन चुरा लिया, वो नहा लिया, फिर भी सफ़ेद नहीं हुआ, वो काला ही रहा, तो उसके बाद कौवा कभी भी दोबारा हंस के घर उससे मिलने या साबुन चुराने कभी भी उसके पास नहीं गया। किसके पास? हंस के पास। तो ये जो आपकी पंक्तियाँ थी इसमें यही कहा गया था कि जो कौवा है वो काला है, हंस सफ़ेद है, तो रंग भेद के बारे में बताया गया। जो कौवा है वो अपने आप पर पछताता है, शर्म करता है कि वो भूरा है, सफ़ेद है और मैं ऐसे काला हूँ। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, हमें रंग भेद में बिल्कुल भी अंतर नहीं करना चाहिए। सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है, सबके अपना अपना रंग होता है, ठीक है। तो कभी भी हमें काले गोरे का भेद नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद हम इसके जो शब्दार्थ हैं वो करेंगे, ठीक है। पहला है उजला, नेक्स्ट काग, सॉरी कागा, कालापन,
नेक्स्ट है गुसलखाना। ये आपके शब्द है, अब हमें इन्हें का अर्थ लिखना है, ठीक है। उजला सफेद, काग कोआ, कालापन श्यामलता, गुसलखाना स्नानघर, जहाँ पर स्नान करते हैं हम, नहाते हैं, उसे गुसलखाना, ठीक है। अब इसके बाद इसमें प्रश्न दिए गए हैं जो कि मौखिक के हैं, हमें वो करने हैं। अब इसका क्या है, कविता तथा कवि का नाम बताओ, कविता तथा कवि का नाम बताओ। आपको इस प्रश्न में पूछा गया है कि कवि है उसका नाम और कविता का नाम आपको बताना है दोनों का, ठीक है। तो इस कविता का क्या नाम है, काला कोआ, तो हम उत्तर में लिखेंगे कविता क्या है, काला कोआ। उसके बाद कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, ये आपके कवि है, आपका ये प्रश्न हो गया कंप्लीट, ठीक है। कवि हरिवंश, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। अब इसके बाद में नेक्स्ट है ख, काला कोआ गुसलखाने से क्या लेकर भागा, क्या लेकर भागा था गुसलखाने से जो कोआ था, काला कोआ। उत्तर है इसका साबुन, ठीक है, साबुन लेकर वो भागा था। नेक्स्ट है काला कोआ हंस के पास फिर क्यों नहीं आया, काला कोआ हंस के पास फिर क्यों नहीं आया, तो इसका उत्तर होगा अपने कालेपन के कारण, क्योंकि वह काला था तो उसे शर्म आती थी, पछताता था वो, तो इसमें लिखेंगे अपने कालेपन के कारण, ठीक है। इसका उत्तर ये है। अब इसके बाद हम सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। अब हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है हम यहाँ लिखेंगे, प्रश्न नंबर सेकंड है, सही विकल्प पर सही का मतलब ये सही का चिन्ह लगाइए। इसमें इसका जो क पार्ट है, कोए का रंग कैसा था, इसमें इसके रंग के बारे में पूछा गया है कि जो कोआ था उसका रंग कैसा था, तो उसका रंग में ऑप्शन है फर्स्ट काला, सेकंड लाल, थर्ड नीला, तो इसका पहला ही ठीक है काला, तो हमें काले पे सही का निशान लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है कोवा घुसल खाने से क्या लेकर भागा, कोवा
गुसलखाने से क्या लेकर भागा? फर्स्ट इसमें पानी, सेकंड मग, थर्ड साबुन। तो इसका उत्तर जो है थर्ड है साबुन। तो साबुन वाले बॉक्स में हम सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद है थर्ड इसमें मन ही मन को वह पछताया। मन ही मन को वह पछताया। फर्स्ट इसमें हंस, सेकंड कौवा, थर्ड कवि। तो मन ही मन कौन पछताया था? कौवा। ठीक है, तो ये सही है। अब इसके बाद इसमें है उच्चारण कीजिए। पहला है उजला, नेक्स्ट शर्माया, थर्ड साबुन, नेक्स्ट हंस, उसके बाद है काला पन, गुसलखाना। ये आपके कुछ डिफिकल्ट शब्द हैं जिनको आपको क्या करना है, एक बार रीड करना है। ये आपके मौखिक के प्रश्न है, प्रश्न नंबर थर्ड तक। ठीक है, इसके बाद आपके ये लिखित के प्रश्न है। इसमें से पहला है उसका कह पाठ, मन ही मन कौवा क्यों शर्माया। मन ही मन कौन और क्यों शर्माया, इसमें पूछा गया कि कौन शर्माया, तो हमें बताना है इसका उत्तर। उत्तर में हम लिखेंगे, पहले इसमें दिखा है मन ही मन कौन, तो हम पहले कौन का जवाब देंगे कि कौन था वो कौवा। ठीक है, कौवा शर्माया क्योंकि वह काला है। इसका उत्तर ये है इसका। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, काला है, तो उसे क्या आ रही अपने आप पर शर्म कि वो काला है। इसके बाद हम करेंगे इसमें प्रश्न फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट, काला कौवा हंस को देखकर क्या सोचने लगा। काला कौवा हंस को देखकर क्या सोचने लगा। अब इसमें बताना है कि जो काला कौवा है वो क्या सोचने लगा हंस को देखकर। तो काला जो कौवा था वो सोचने लगा कि, अभी उसका उत्तर लिख रहे हैं, काला कौवा सोचने लगा कि वह भी हंस की तरह सफेद हो सकता है। ये इसका उत्तर है कि हंस को देखते ही कौवे ने सोचा मैं भी हंस की तरह सफेद हो सकता हूँ। नेक्स्ट है, काला कौवा साबुन से नहाकर भी क्यों पछताया। साबुन से
नहाकर भी क्यों पछताया? इसमें उसका आंसर देना है, ठीक है? तो इसका आंसर आएगा, साबुन से नहाकर भी वह काला ही रहा, इसलिए वह पछताया। इसका उत्तर आपका ये है जो कि कंप्लीट हो गया है, ठीक है? इसके बाद इसमें निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए, जो गलत शब्द हैं अशुद्ध उन्हें सही करके लिखना है। ये गलत दिए हुए हैं, अशुद्ध है ये, तो आपको सही करके ये लिखने हैं, ठीक है? तो कोआ है ऐसे लिखा जाता है, बड़े ओ की मात्रा और सोचने, गुसल खाना ये ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद साबुन में छोटे ऊ की मात्रा आती है, ना के बड़े ऊ की। ये आपका प्रश्न नंबर सेकंड कंप्लीट। इसके बाद है प्रश्न थर्ड, सही मिलान कीजिए, ठीक है? आपको मिलाना है, मैच करना, काला उजला साबुन, गुसल खाना कोआ हंस। ये क्या करना है हमें, जो शब्द इस साइड लिखे उनको इस तरफ वालों से मैच करना, मिलाना है। तो जो काला है कौन था, कोआ। उजला, उजला सफेद कौन था, हंस। और साबुन कहाँ था, गुसल खाने में, ठीक है? तो ये इस तरह आपका ये भी प्रश्न कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई प्रश्न को समझ नहीं आया तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।